खबर नरसिंहपुर के गोटे गांव से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का मामला सामने आया है। रीवा नगर सरस्वती स्कूल के पास रहने वाली रजनी गौंड उपचार करवाने के लिए पहुंची थी, जहां ड्यूटी पर पदस्थ डॉक्टर नदावत रहे और ड्रेसिंग रूम में कोई भी ड्रेसर मौजूद नहीं था। महिला का खून बहता देख एक युवक ने मानवता के नाते महिला की ड्रेसिंग करनी शुरू की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं महिला ने स्वास्थ्य कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल में जब वो कल पहुंची तो उसे उपचार नहीं मिला और न ही इंजेक्शन लगाए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, जिसके कारण आम जनता परेशान हो रही है। नरसिंहपुर से चंद्रशेखर मालविया की रिपोर्ट। क्या समस्या है आप? कल अस्पताल गए थे हम सरकारी गोटे गांव, तो कोई इलाज कर व्यवहार मिला ही नहीं, बैठा ही है जब तक अनबिलेड बे ही रहो। तो फिर एक लड़का आओ अपन जान ही पहचान नहीं, तो उन्हें पट्टी बांध दी ला के, बस भैया के साथ गए थे तो उन्हें इलाज करवाओ तो बैठा ही रहे, न उन्हें सूजी लगाई न कछु। मैंने भी आज ही देखा वो, अब मैं इसकी जांच करवाता हूँ, जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और व्यवस्था को भी, अगर कहीं व्यवस्था में कहीं खामी है तो उस व्यवस्था को भी सुधारा जाएगा। एचआर की कमी होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें वहाँ है। सर 50 का स्टाफ होने के बावजूद भी मतलब इतना कमी क्यों है? नहीं नहीं, 50 का स्टाफ नहीं, वो फील्ड वर्कर्स है जो फील्ड में काम करते हैं, हॉस्पिटल के लिए अभी कमी है बरकरार। सर